हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं जी सब? ठीक है, बढ़िया है। और अभी हमारे पास है जी कापिल, वेलकम्स राहत फतेह अली खान टू द वाहन शो, वाहन द ग्रेट राहत फतेह अली खान। अच्छा, बहुत यस बढ़िया सॉन्ग और बंदा भी बहुत बढ़िया। हाँ और चलें देखते हैं कि कापिल भाजी के साथ कैसा रहता है उनका आज का शो। तो चलें जी प्ले करते हैं। लॉटरी फैन निकली भी तो किनकी, अच्छा राहत फतेह अली खान की। ठीक ठाक सिंगर का लॉटरी नाम लेती हूँ मैं, शायद ट्राई कर भी लेता। राहत फतेह अली खान की आवाज कैसे निकालें पाजी, बहुत मुश्किल है। निकाली करता हूँ लेकिन करो। लेकिन उनके लिए साथ में और भी खान साहब बंदे चाहिए, हमने खास तौर पर बुलाए हैं। खान साहब आइए जरा हारमोनियम पे, क्या और हमारे दोस्त एक ढोलक पे। ओके सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। अरे ये भी बैठे ना है, ये सर ये सब धुरंधर लोग हैं हमारे महारथी, इन सबके लिए एक बार दोबारा ताली। हाँ साहब एक ऐसे ही कोई भी सुर दो अपनी मर्जी से, कोई भी दे दो, कुछ भी खड़का दो। रहन दो खान साहब, ऐसे नहीं होगा। मैं ट्राई करता हूं। ओके आज क्या है, करो करो। नहीं ऑडियंस को तो नहीं पता होगा आज कौन आ रहा है, कौन सा गेस्ट आ रहा है ना। उनको तो अचानक जब सामने आता तभी पता लगता है। ओए वाह पीछे उसकी हाय, बहुत मुश्किल है राहत साहब की आवाज निकालना, बहुत मुश्किल है। गाते हुए आ रही है ना। मेरा मुझ में कुछ ना पाजी, प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू थोड़ा सा। यार पहले पहले यार ये है राहत फतेह अली खान। लगी तुमसे मन के लगन लगर, लगी तुमसे मन के लगन लगर, लगी तुमसे मन के लगन लगर, लगी तुमसे मन के लगन। गली गली घूमे दिल दूरे ढूंढे, गली गली घूमे दिल दूरे ढूंढे तेरे बिन तेरे शरण। लगर लगी तुमसे मन के लगन लगन, लगे तुमसे मन के लगन, लगे तुमसे मन के लगन लगन, लगे तुमसे मन के लगन। क्या बात है, कमाल है यार, सारी दिल खुश कर दिया आपने। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर राहत फतेह अली खान साहब के लिए। पाजी आइए जरा, धन्य करो हमारी सोफे को हमारे को। राज साहब छा गए वाह, सर सर बहुत शुक्रिया। हजारों फनकारों की भीड़ में जिसके नाम की अद्भुत पहचान, हर तरफ बिखरे हैं आपके चाहने वाले, जिसकी मौजूदगी महफिलों की शान है। खुदा की बंदगी है तेरे गीतों में नूर, रहमत का है परस्ता, नाज है आवाज की दुनिया को जिसपे, वो शख्सियत का नाम राहत फतेह अली खान। पाजी आपको पता है मेरे जो साथी म्यूजिशियंस हैं, अलावा साहब ये सब आपके बड़े फैन हैं, और जो कीबोर्ड पे मेरा बचपन का दोस्त है, तो मैंने उसको कहा था, मैंने कहा राहत पाजी आ रहे हैं तू मत बजाना तो पकड़ा जाएगा। ये मेरे को बोल रहा था, कहता जहां से राहत पाजी गाते हैं मेरे को एक्स्ट्रा कीज लगवा के दो। यही फर्क है कपिल, क्या है कि आज का जो म्यूजिक है ना जी वो साजों पे चलता है जी, साज डोमिनेट करते हैं, लेकिन ये वो साहब हैं जिनकी आवाज साजों के ऊपर चढ़ के आए। हाय हाय ये आपको ये सुनने का फन है पाजी। आजकल ना लोग छोटी छोटी चीज को और छोटा कर देते हैं,
फॉर एग्जाम्पल ऐसे सलमान भाई का नाम सल्लू कर दिया, कपिल का कप्पू कर दिया, आपका नाम मतलब राहत फतेह अली खान, मुझे लगा दो तीन लोगों का ग्रुप होगा ये। जी आपका आपका कोई छोटा नाम भी है वैसे? आप छोटा नाम घर में क्या बुलाते हैं आपको? प्लीज हाँ टीपू टीपू। और मजा भी ऐसे बोलने में आता कि राहत फतेह अली खान पता लगता है। अभी बोलूं आपके सामने आ रहे हैं टीपू। अच्छा राहत साहब के बारे में आप सब जानते हैं, राहत पाजी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के परिवार से हैं, तो इनके परिवार में जितने भी लोग हैं सबके सब सुरील हैं। पाजी पाजी एक बात बताओ, जब आपके फैमिली में बच्चे पैदा होते हैं तो मतलब वो रोते हुए पैदा होता है कि लाभ लेके पैदा होते हैं? नहीं सीरियसली मैं मन में सवाल था। अगर मैं आपसे पूछूं जी, आप तो बहुत माशाल्लाह सब दुनिया को हंसा रहे हैं जी, तो आपके जब बच्चे होंगे तो क्या वो कॉमेडी करते हैं? वो तो नहीं कॉमेडी करते पैदा होंगे, मैं कुछ कॉमेडी करूंगा तो फिर होएंगे। नेले पे नाइट कॉमेडी हैं नेले पे। पाजी मेरी बड़ी इच्छा थी एक्चुअली कभी नुसरत साहब को ऐसे मिल सकूं या कभी उनको सुन ही सकूं, पर हमारी किस्मत में नहीं था तो इस दुनिया को बहुत जल्दी अलविदा कह के चले गए। लेकिन ये सर हमारा सौभाग्य कि आज आपसे मिलने का मौका मिल रहा है और हम आपके बहुत मुरीद हैं सर। राज भाई आपने किस उम्र में गाना शुरू कर दिया था? 6 8 6 छह साल की उम्र में। अरे देख लो 6 साल की उम्र में तू तो डायपर पहनता था दिनेश। सीरियसली बच्चे इतनी उम्र में डायपर पहन के घूम रहे होते हैं, नाक बह रही होती है, माए कभी कभी उसी डायपर से नाक पोंछ देती बच्चे की। 6 साल की उम्र में सारे काम फटाफट कर रहे हैं आप। 6 साल की उम्र में रियाज शुरू कर दिया, 9 साल की उम्र में परफॉर्मेंस। एक्चुअली 6 साल की उम्र में मुझे शौक पैदा हुआ गाना। एक्चुअली मैं जब कोई गाना लगता था लता जी का लाइक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का घर में कोई रिकॉर्ड लगता था तो मुझे समझ तो नहीं आती थी बट मैं रोने लग जाता था। वो सुर का जो एक असर है वो दिल पे एज ए चाइल्ड मेरे बहुत रहा, तो उसको फिर देखते हुए मेरे अब्बा ने कहा कि आई थिंक ये गाना ही जाता होगा एमी रोजगार में। तो वही अंदर तो था ही, तो फिर आपने इच्छा किसको बताई गाने की? तो खान साहब बड़े खान साहब उस्ताद नुसरत अली खान साहब उन्होंने फिर मुझे बाकायदा सिखाना शुरू किया 8-6 में। तो फिर 3 साल की मेहनत के बाद जो भी वो बच्चे को सिखा सकते थे फिर राग हमीर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने दादा की एनिवर्सरी उनकी हुआ करते थे डेथ एनिवर्सरी और वहाँ पे बहुत सारे उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान साहब, बहुत सारे लोग उस्ताद तारी खान साहब, गुलाम अली खान साहब, मेहंदी हसन खान साहब, ये ऑडियंस भी होते थे और गायक भी होते थे वहाँ पे एज ए अकीदत के तौर पर वहाँ पे अपना फन पेश करते थे। तो उनमें फिर मैंने राग हमीर गाया तो अच्छा। इस कॉन्फिडेंस को देखते हुए उन्होंने को पता था ये तोते की तरह अंदर रटे आपने रटा। लेकिन अब आपका रियाज इतना हो गया, पाजी की उम्र कुछ खास नहीं है लेकिन इनका गाना सुनते थे ऐसे लगता 80-90 साल हो गए रियाज करते हुए। ये उसी का नतीजा है कि आज पाजी इतनी बुलंद आवाज के मालिक हैं। बहुत शुक्रिया पाजी। आपने बहुत सारे रोमांटिक गाने गाए बॉलीवुड में, आपके गाने जो इतने पॉपुलर है, कभी ऐसा हुआ कि कभी आप लाइव शो में गा रहे हो और सामने कोई मोहतरमा बैठी हो तो किसी ने सीरियसली ले लिया हो कि शायद मेरे को देख के गा रहे सीरियस हो गई हो, बैक स्टेज आके कोई मिली राहत आई एम लुकिंग इनटू योर आईज? तो यस मुझे इतने मतलब अजीब कमेंट्स मिलते हैं कि आई लव योर वॉइस पास है राहत पाजी जब गाते हैं ना तो लगता है कि बड़ा इजी होगा गाना, हालांकि वो इनके लिए इजी होता है क्योंकि इतना मुस्कुरा के गाते हैं ना, वही लाइन आप दोबारा जाके अपने कमरे में गाओ लगता ही नहीं सुर अभी इस स्किल पे आ रहे थे, नहीं लगता, इम्पॉसिबल, इट्स सुसाइड। पर जब हम लोगों का कुछ अच्छा म्यूजिक सुनने का मन होता है, हम आप जैसे कलाकारों के गाने सुनते हैं, आपका जब मन होता है तो आप किसका गाना सुनते हैं? जैसे मैंने बोला कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं तो उनके उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब के, गुलाम अली खान साहब के, तो किशोरदा मोहम्मद रफ़ी साहब, ये सब लेजेंड हैं, इनको सुन के हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं कि माइक के आगे लफ्ज तलफ़ लता जी ख़ास तौर पर लता जी उन्होंने सिखाया कि माइक पे मोहब्बत कैसे कहना। वाह क्या बात, ब्यूटीफुल।
राज भाई क्यों किशोरदा का गाना हो जाए आपके स्टाइल में थोड़ा इम्प्रोवाइज करके। किशोरदा को मैं भी बड़ा प्यार करता हूं। क्यों उनकी रूह को बहुत अच्छा लगेगा थोड़ा सा कुछ हो जाए। मैं ये जरूर कहूंगा कि किशोरदा हमारे उस्ताद हैं और उस्तादों की गाई हुई जो गजल है वो बड़े कानों को 40 दफा हाथ लगा के गानी चाहिए या कोई गीत उनका गाया हुआ। मेरी भीगी भीगी सी मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के जल मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भी तरसे मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के जल मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी तुझे बिन जाने बिन पहचान ये भी होता है ना कि जब एक ऐसे होता है कि जब कोई सिंगर सिंगर से मिल रहा होता है कोई आर्टिस्ट से जैसे कि कोई यूट्यूबर किसी दूसरे यूट्यूबर से तो मन में होता है ना कि यार हाँ वो बीच की जो बातें होती है वो उन्हीं को पता होती हैं और मतलब लुत्फ आया और कपल बाजी भी अच्छा गाते हैं मतलब यार देख के उनका खुद ही दिल कर पड़ा कि यार अगली लाइन मैं गाऊं यार और बिल्कुल और राहत भी काफी राहत फतेह अली खान साहब भी काफी इंस्पायर्ड हुए उनसे वे नहीं वाला किड छोटा सा बच्चा मतलब 6 साल का बच्चा होता है और 6 साल का कितना होता है बच्चा यार तुम्हारा तो नाक बहता होगा तब तो उस्तादों के घरों में जब पैदा होता है ना बच्चा तो कानों में सुर हर जब वो पैदा होता है तो कानों में सुर ही पड़ रहे होते हैं हर तरफ से सुर आ रहे होते हैं कहते थे मैं रोने लग जाता था जब चल जाता देखे ना एक बच्चा है ना वो इधर पाकिस्तान में पैदा होता है ना उसको आप इंग्लैंड छोड़ दो वहां ले जाओ तो वो जो उसकी एक्सेंट होगा ना वो अंग्रेजी ऐसे बोलेगा लेकिन उसको उर्दू नहीं आएगी ठीक है अब उसको आप रशियन छोड़ दो तो वो रशिया मतलब ऐसे ही बोलेगा उसको आप चाइना ले जाए तो चाइनीज ऐसे ही बोलेगा तो वो वही पिक करेगा जो सोसाइटी में हो रहा है जो उसके कानों में पड़ रहा है जो वो सिग्नल रिसीव कर रहा है ठीक है और सेम एज इट इज के जब आप किसी ऐसे म्यूजिक ऐसे घराने में शाही घराने में मतलब पैदा होते हैं कि जहां पर म्यूजिक और ये हर चीज तो आपका जो मतलब ग्रो हो रही होती है ना तो आपके कानों में जो सुर पड़ रहे होते हैं तो आप वही चीजें पिक कर रहे होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली आपका एक पूरा एटमॉस्फेयर बना होता है और फिर ऐसे हीरे जो है वो पैदा होना जो है वो बनते हैं बिल्कुल। और राहत फतेह अली खान साहब इज वन ऑफ देम और पाकिस्तान के ये पहले सिंगर हैं जिनके यूट्यूब पर जो सॉन्ग है वो बिलियंस में गया हुआ है इनका जरूरी था सॉन्ग था वो इतना मतलब इन हुआ था और अभी भी इतना सुना जाता है बिल्कुल और आप देखिए कि बिलियंस में जाना इट मींस कि उनको नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि इंडिया और पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह से कितना सुना गया होगा और कितना सुना जाता है
और सेम एज इट इज़ के जैसे हम इंडियन सिंगर्स को सुनते हैं तो पाकिस्तानी सिंगर्स को भी इतना ही मतलब पसंद किया जाता है। स्पेशली आपने देखा होगा आतफ असलम वेरी इन बहुत ज्यादा इंडिया में भी उनको पसंद किया जाता है। नुसरत फतेह अली खान वो तो उस्तादों के उस्ताद हैं। बिलाल सईद ये पाकिस्तान के देख लो कि पाकिस्तान वाले यहाँ पर उन्होंने अपने जब दिखाया था लाहौर में शो यहाँ पर उनको फ्लॉप कर दिया था और बाहर जाके बिलाल अच्छा और बिलाल सईद हो गए आतफ असलम हो गए और ये सारे इनको जो एक ग्रूम जो एक पहचान पहचान तो वैसे डेफिनेटली इनकी थी लेकिन इनको जो अरूज मिला इंडिया जाकर मिला है ना इनको वहां से बहुत इनकी हाइप बनी बहुत ये ऊपर गए हैं बाकी क्योंकि बहुत बड़ा बॉलीवुड इंडस्ट्री इंडिया की जो इंडस्ट्री है बहुत म्यूजिक इंडस्ट्री वो बहुत वसी और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और टैलेंट की कदर करते हैं बिल्कुल और उधर लोग जो है वो आर्टिस्ट को सिंगर इन चीजों को जो है ना एक कलाकार को रिस्पेक्ट देते हैं उसकी कदर करते हैं उसके टैलेंट की कदर की जाती है। इसी वजह से जो है वो वहाँ पर आप देखें कि हर बंदा जो है वो चाहता है कि वो इंडिया में जाए वहाँ पर जाकर परफॉर्म करे वहाँ पर जो है वो उसको क्योंकि उसको रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। तो चले नहीं बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रखिए बहुत सारा ख्याल। वी विल बैक टुमारो विद अ न्यू लेटेस्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही रखें अपना ख्याल।